नमस्कार। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त देश भर में कोरोना वायरस के 415 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और 7 से अधिक लोगों की देश में मौत हो चुकी है। 80 शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था एक दिन के लिए। लोगों ने सोचा था रविवार को एक दिन का ही कर्फ्यू होगा तो उनके बहुत सारे काम उन्होंने सोचा था सोमवार को पूरे करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो सोमवार को लैपटॉप ऑफिस से उठा कर ले आएंगे। लेकिन इन 80 शहरों में लोग वो काम नहीं कर पाए। लेकिन आप ये मत सोचिएगा ये लॉकडाउन सिर्फ अभी 31 मार्च तक होगा। ऐसा भी हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि इसको 15 अप्रैल तक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए आपको ये हमारी खास रिपोर्ट देखनी होगी, जो कि हम चाइना से कंपैरिजन करेंगे कि कैसे उन्होंने ख़त्म किया, कितना वक्त उनको लगा। हम बाकी चीज़ों के भी हालात बताएंगे और बताएंगे कि इंडिया में क्यों 15 अप्रैल तक हो सकता है। आपको 15 अप्रैल तक के लिए तैयार रहना है, अपने घरों में रहना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में सरकार ने 80 जिलों को लॉकडाउन किया है। हमारे सूत्रों के अनुसार भारत सरकार को यहां 15 अप्रैल तक लॉकडाउन करना था, लेकिन जनता में अफरा तफरी का माहौल ना हो और भगदड़ ना मचे इसलिए जनता से ही एक दिन के जनता कर्फ्यू की अपील की जाती है ताकि सब खुद घर में चले जाए। लोगों के घरों में जाते ही लॉकडाउन कर दिया गया है, ये भी एक तरह का कर्फ्यू ही है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 31 तारीख तक ही रहे, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें रोकने के लिए 10 दिन का लॉकडाउन काफी नहीं हो सकता। खुद चीन ने एक महीने तक खुद को लॉकडाउन रखा है। चीन के वुहान शहर में 20 जनवरी को कोरोना वायरस पूरी तरह आउटब्रेक हुआ था। 3 दिन बाद चीन सरकार ने 23 जनवरी को सभी शहरों को लॉकडाउन कर दिया था। उसके बाद 14 मार्च को वुहान के अलावा सभी शहरों को पूरी तरह खोल दिया था। अब 1 अप्रैल को वुहान शहर को खोलने की सूचना है। ऐसे में भारत को भी 15 अप्रैल या उससे अधिक समय तक लॉकडाउन करना पड़ सकता है, तभी कोरोना वायरस का असर कम किया जा सकता है। पूरी दुनिया वायरस की जद में आ रही है और चीन उससे बाहर निकलता जा रहा है, जिसके पीछे कारण है लॉकडाउन। पूरी दुनिया में 3,41,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस हैं। इस वायरस से 15,000 के करीब लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौतें इटली में हुई है, वहां अभी तक 5,476 लोग मारे जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर खुद चाइना है, जहां से वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां 3,270 लोगों ने दम तोड़ दिया है। स्पेन में 1,813 लोगों की मौत हुई है। इटली, जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं, वहाँ भी भारत की तरह पहले कोरोना वायरस का जोक बनाया जा रहा था। उन्होंने समय रहते लॉकडाउन नहीं किया, जिसके कारण वहाँ आज सबसे अधिक मौतें हुई हैं। इटली दुनिया को बता रहा है कि हमारे वाली गलतियाँ ना दोहराएं, इसलिए भारत को भी अब पूरी तरह लॉकडाउन की जरूरत है। हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। अगर कोरोना वायरस के मामले यहाँ बढ़ते हैं तो हमारी घनी आबादी के सामने हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। ऐसे में हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। तो आपको भारत के एक नागरिक होने के नाते पूरी तरह फिलहाल खुद को लॉकडाउन करना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान नहीं है तो आपके जो बाकी सारे धंधे जो फिलहाल ठप हो चुके हैं उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। इसमें सरकार का साथ दे, यही दस्तक इंडिया की आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।